अस्सलाम वालेकुम हाजिर हजरात एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई देखिए, हर इंसान कोई ना कोई जॉब या बिजनेस करता है, ठीक है। आप भी करते होंगे, आपके अबू भी करते हैं, इस तरह हम भी करते हैं। हम हैं यूट्यूबर, हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। अब यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह चाहने वालों की जो तादाद है ना, वो काफ़ी सारी है, लेकिन कहीं कहीं नेगेटिव लोग भी हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि जब भी हम कोई स्पॉन्सर यूज़ करते हैं, हाँ भाई बिक गए तो दादा, पहली बात तो ये है कि घर को चलाने के लिए ना पैसों की ज़रूरत होती है, बिल्स पे करने पड़ते हैं, और वो हम खुद अपने घर के पे करते हैं, आप नहीं करते, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। हमारी एक रिसेंटली अभी वीडियो आई है इडियट्स पे, बीवी है चुड़ैल, वो कैसे बनी, उसका आइडिया कैसे आया, स्क्रिप्टिंग कैसे की वो हम्माद बताएगा, उसकी मैनेजमेंट कैसे की वो फैसल बताएगा, उसकी एडिटिंग कैसे की वो मैं बताऊँगा, और फिर आखिर में मिलते हैं आपसे इसी जगह पर। सबसे बड़ा जो चैलेंज मेरे पास इस वीडियो में था वो ये था कि इसमें कैरेक्टर्स बहुत कम थे, इसमें मेरा अपना भी रोल नहीं था, तो तीन कैरेक्टर्स पर रहते हुए मुझे सारी स्क्रिप्ट लिखनी थी और उन्हीं तीनों कैरेक्टर्स पर डायलॉग्स को इस तरीके से घुमाना था कि आप लोग पब्लिक जो है वो बोर ना हो। अच्छा, अब इसके लिए मैंने सॉल्यूशन ये निकालना कि जैसे जैसे मैं स्क्रिप्ट लिखता जा रहा था, मुझे इतना आइडिया हो रहा था कि ये वीडियो 7-8 मिनट में तो ख़त्म नहीं हो रही, 10 मिनट को क्रॉस करना है। तो फिर हमने जो है इसमें बीच में कुछ हॉरर वाले एलिमेंट इसमें डालने की ट्राई करी, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज वाला इफेक्ट जो है कशान ने एडिट में किया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी होता है जो अगर मैं स्क्रिप्ट पर नहीं होता तो ऑन शूट हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन किस टाइप की कर सकते हैं। बहरहाल भाई, तीन कैरेक्टर्स के ऊपर इस तरीके से इंगेजिंग स्क्रिप्ट को लिखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और आप लोगों ने फिर जिस तरीके से वीडियो को पसंद किया, तो कोशिश अब मेरी यही है, मैं इन दोनों को भी यही कह रहा हूँ कि टाइप्स वाली वीडियोस से हट के थोड़ा शॉर्ट फिल्म की तरफ आते हैं, उसमें मज़ा भी ज़्यादा आता है और मुझे लिखना भी मज़ा आता है, ठीक है। बाकी स्क्रिप्ट में भाई देखें, हेल्प जो ज़्यादा होती है ना, और एक्टर्स को तो होती है ऑब्वियसली, शूट के टाइम भी होती है, लेकिन फैसल जो अरेंजमेंट करता है उसको भी काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि स्क्रिप्ट इस तरीके से मैं लिखता हूँ, पहले कैरेक्टर सारे डिफाइन करता हूँ, देन उसमें बताता हूँ कि प्रॉप्स कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, देन स्क्रिप्ट के अंदर जो है हम ये चीज़ भी मेंशन करते हैं कि इंडोर कितने शॉट हैं, आउटडोर कितने शॉट हैं, डे टाइम में कितना शॉट चाहिए, नाइट टाइम में कितना शॉट चाहिए। अच्छा, अगर एडिट के अंदर मैंने कोई चीज़ सोची हुई है जो कि मुझे पता है कि कैसे हो जाएगी, तो फिर एडिट वाइज मैं कशान को भी हिंट्स छोड़ रहा होता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर कि यार इस तरीके से जो है ये वाली ट्रांजिशन इधर लगा देना, या इस तरीके से स्लोमो कर देना, इस चीज़ को ऐसे तेज कर देना। कोई अगर कभी कभी ऐसा होता है मेरे, अगर कोई डायलॉग लिखता हूँ तो फैसल अगर पढ़ता है तो वो समझ नहीं पाता कि उसमें इमोशन कैसा आना चाहिए, तो स्क्रिप्ट के अंदर इस तरीके की भी हेल्प देता हूँ कि ये वाला जो डायलॉग है ये स्माइल दे के बोलेगा, या नखरे करके बोलेगा, या गुस्से में बोलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है स्क्रिप्ट लिखने का। और इस स्क्रिप्ट को लिखने में, इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, इस वीडियो की स्क्रिप्ट को लिखने में मुझे दो दिन लगे हैं, इस तरीके से नहीं कि पूरे दिन, लेकिन ये तकरीबन 16 मिनट की वीडियो निकली है। तो अपने ऑफिस में मैंने, अगर ऑफिस वाले देख रहे तो आधा टाइम मैंने ऑफिस में लिखी थी स्क्रिप्ट, फिर आधा टाइम मैंने घर में आके लिखी थी, फिर अगली सुबह उठ के अगेन लिखी थी, तो इतनी बड़ी स्क्रिप्ट के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लगा था ये लिखने में। अच्छा यार, दी इडियट्स में मेरा रोल है किसी भी किस्म की मैनेजमेंट है, अरेंजमेंट है, जिसमें एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गई, या प्रॉप्स हो गए, लोकेशंस हो गई, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। चाहे उसमें एक छोटी सी सुई क्यों ना चाहिए, वो भी मुझे लानी है, या कोई एक लग्जरी घर करना हो वो भी मैंने करना है। तो आ जाते हैं स्पेसिफिकली इस वाली वीडियो की बात पे। इसमें जो मेरे पास एक चैलेंज था वो था एक अच्छा घर, अच्छा भी होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास, मेरे पास एक दो बंदे हैं, उनसे मैं पिक्चर्स वगैरह मंगवा लेता हूँ जो रेंट पे हमें घर मिलते हैं, लेकिन वो पिक्चर्स में देख के हम डन नहीं कर सकते, उसको आपने वीडियो से पहले जाके देखना है, क्योंकि एक आध बार ऐसा हुआ है कि हमने घर पिक्चर्स में कुछ था और वहाँ गए तो कुछ था, बिल्कुल अपोजिट था। तो अब हम क्या करते हैं कि भाई उससे पहले मैं जाता हूँ, देखता हूँ, हाँ यार हमारे हिसाब से है, हमें एक टीवी लाउंज चाहिए था, हमें एक बेडरूम चाहिए था, ये दो मेन चीज़ें थी, तो वहाँ परफेक्ट थी। मैंने घर देखा और मैंने उसको डन कर दिया। एसी भी चलता होना चाहिए। और हाँ यार, ये काशान की रिक्वायरमेंट थी, और बल्कि सही थी, गर्मी ऐसी टाइट है, बंदों की हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि पंखा नहीं चला सकते वीडियो में ना, तो आवाज़ आती है, तो एसी कम अज़ कम चलता हो, ये भी रिक्वायरमेंट थी। तो वहाँ जाके कन्फर्म किया, हाँ भाई एसी चलता है, ठीक है। अच्छा, लोकेशन पे एक सीन होता है, एक वक्त में एक एसी चलेगा, आप जिस कमरे में उसका एसी चला लें, आप वहाँ से बाहर निकलें वो बंद कर दें, बाहर आ गए तो बाहर का चला लें, ठीक है। जो रेंट पे घर देता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। खैर, अब आ गए हम लड़की की बात पे। लड़की का क्या सीन था भाई, नॉर्मली जो हम लोग एक्ट्रेसेस ले रहे होते हैं वो नहीं चाहिए इस बार, ये भी चैलेंज है, क्योंकि इस दफ़ा हमें चाहिए कोई ऐसी एक्ट्रेस जो कि प्रोफेशनल हो, क्योंकि चुड़ैल बनाना है भाई, छोटी सी भी लैकनेस हो गई ना वीडियो बेकार है एक्टिंग में।
तो भाई फिर नापा की एक एक्ट्रेस थी, उसको रब्ता किया, दो तीन देखने के बाद पता चला कि हाँ भाई ये ठीक है, पैसों में भी रीजनेबल है और एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, तो उसको डन कर लिया भाई। अब आ गया एक और चैलेंज, सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो मुश्किल हों, ठीक है, वो थे लेंस, वो भी वाइट। अब वाइट लेंस का आपको पता है कि नॉर्मली कोई तो लगाएगा नहीं, सही है, तो जिस दुकान पर जाऊँ कहें भाई है नहीं, आपको अरेंज करवा देते हैं, नहीं, तो हमारे एक जानने वाले हैं, उनको हमने कहा कि भाई इसको अरेंज करवा दें, उन्होंने अरेंज करवाया, उसके बाद फिर मैं लेने गया। फिर आ गई छोटी छोटी चीज़ें भाई, बोतल भी चाहिए ना जिसमें बाबा ने बंद किया है बंदी को, वो शीशे की चाहिए ताकि थोड़ा सा लुक आए, वो प्लास्टिक की नेस्ले की बोतल में ले आएंगे चुड़ैल को अजीब सी लगेगी, तो फिर वो करीमाबाद से मिली। इसी तरह गमछा, इसकी वाइट टोपी, अच्छा वो स्प्रे जो कि टेम्परेरी हो, ऐसा ना हो कि काशान के लगे और काशान भाई ज़िंदगी भर के लिए वाइट हो गए, तो वो सब चीज़ें देख के अल्हम्दुलिल्लाह कर ली, और उसके बाद वीडियो भी अच्छी बन गई। लेकिन सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि टीम वर्क होता है, एक वीडियो कोई सी भी हमने बनाई उसमें टीम वर्क है। और अंदाजन खर्चा कितना आया यार ये बताओ सारी चीज़ों में? यार 45,000 to 48,000 खर्च हो गए हमारे। 50,000 मतलब? हाँ मतलब अप्रोक्स 50,000 रुपये खर्च हो गए, लेकिन इन द एंड रिजल्ट अच्छा आया, कोई नहीं। तो भाई ये था भाई मैनेजमेंट और स्क्रिप्टिंग, अब आ जाता है मेरा काम जो कि है एडिटिंग। मैं थोड़ा बहुत डायरेक्शन वगैरह भी देख रहा था, लेकिन मेन जो है वो एडिटिंग है। तो यूजुअली जो मैं वीडियोस एडिट कर रहा होता हूँ वो एक दिन से मतलब डेढ़ दो दिन के अंदर जो है ना फाइनल हो जाती है, सारे लट्स वगैरह लगा के और म्यूजिक म्यूजिक लगा के सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। बट ये जो वीडियो थी ना ये मेरे जो है ना 6 दिन खा गई, क्योंकि एक दिन तो मुझे वो इफेक्ट बनाने में ही लग गया, वो जो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला अगर आप लोगों ने देखा हो, और उसके बाद जो है फिर इसमें जो म्यूजिक थे ना बेसिकली वो रिवायती जो ट्रेडिशनल म्यूजिक होते हैं फनी वाले वो नहीं थे, 16, 17, 18 जो है ना म्यूजिक निकाले हैं सस्पेंस वाले, सस्पेंस में भी मुख्तलिफ के जब एकदम से रिवील हो चुड़ैल तब कौन सा म्यूजिक होना चाहिए, जब हल्का हल्का बिल्डअप है तो कौन सा म्यूजिक होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है ना पहले तो उसकी कटिंग के अंदर ही जो है वो शॉर्ट्स लगाने में और उसके एक्सप्रेशन लगाने के अंदर ही जो है वो तकरीबन 2 दिन हो गए। फिर बारी आई म्यूजिक की, म्यूजिक शुरू में स्लोली पियानो टाइप का है, बर्ड्स की आवाज़ लगानी है, सुबह हुई है, मतलब ये जो सारी चीज़ें होती है ना, देखो एक कॉमन मैन जो है ना मतलब जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये नहीं अंदाज़ा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हैं, बट आप लोग बहुत अच्छे जज हैं, आप लोगों को एक फील नहीं आएगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए जो है ना ये कमेंट्स भी अब यही आ रहे हैं कि भाई एक आपकी कुर्बानी वाली थी, एक दिन जॉबलेस के साथ जो एक लेजेंडरी वीडियो थी, और एक जो है ये आई है इतने दिनों बाद। तो बताने का मकसद ये है कि इसकी एडिटिंग में भी इसी तरह टाइम लगा, फिर जब पूरी फाइनल हो जाती है तो फिर शेयर करता हूँ मैं हमारे ग्रुप पर, फैसल देखता है, हमाद देखता है, वो अपनी अपनी चेंजेस बताते हैं कि यार इसको यूँ कर ले बेटर, क्योंकि देखो मैं ना एक चीज़ को देखते देखते हो ना थक जाता हूँ, 6 दिन तक एक ही चीज़ कर रहे थे तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो फिर हमाद चेंज बताया कि भाई यार यहाँ पर साउंड इफेक्ट लगा दे, इसको इस तरह कर दे, कुछ चीज़ें मुझे सही लगी मैंने उस हिसाब से कर ली, कुछ चेंज कर दी। तो ये थी पूरी कहानी, और अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इस वीडियो को लगे हुए कोई 5-6 दिन हो चुके हैं, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसका रेवेन्यू क्या आया, क्योंकि 6-7 दिन के बाद फिर जो है ना वीडियो हो जाती है पुरानी, और उसके बाद फिर वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो डॉलर्स नहीं बन रहे होते जितना इसके शुरू के डेज में बनते, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर आपको एंडिंग नोट देता हूँ कि क्या बात है और क्या वजह है इस पूरी वीडियो बनाने की। तो भाई आज है 15 तारीख और ये वीडियो लगी थी 6 जून को, तकरीबन इसको 10-12 दिन हो चुके हैं, अब देखते हैं कि इसने कितने डॉलर्स कमाए। तो जनाब हम ये गए रेवेन्यू में और ये है 127.13 डॉलर कमाए, ठीक है, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं 127.13 तो भाई आप देख सकते हैं कि 25,000 रुपये बने हैं, ठीक है, और हमारा जो एक्सपेंस है वो आपके सामने है 50,000, तो क्या बचा कद्दू। हाँ भाई, तो देख लिया आपने कि 6 दिन बाद इस वीडियो ने हमें ये कमा कर दिया है। अब आप खुद सोच लो कि अगर इसमें से हम एक्सपेंस माइनस करें और बाकी पैसों को अगर हम डिवाइड बाय 3 करें तो पर बंदा क्या पैसे आएंगे, सोचें आप खुद ही, क्या उसमें खर्चा चल सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें ब्रांड यूज़ करने पड़ते हैं, तो कभी भी आप जो है ना वीडियो देखते हैं तो उसके पीछे मेहनत ज़रूर सोचा करें कि भाई इतनी मेहनत लगती है, और अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप करो भाई नेगेटिव कमेंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि अंधाधुंध सपोर्ट करो, नहीं है अच्छा तो सपोर्ट नहीं करो, बोलो भाई आपने बेकार कंटेंट बनाया, लेकिन आप लोगों को ये बहुत पसंद आया, कमेंट्स अच्छे आए,
ऐसे कमेंट भी आए कि आओ द इडियट्स आर बैक, और वो कुर्बानी शॉर्ट फिल्म के बाद ये एक और ज़बरदस्त शॉर्ट फिल्म आई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।